शंकर के मंदिर में जल चढ़ा रहे हो अपनी जगह पर, बेलपत्र चढ़ा रहे हो अपनी जगह। सावन महीने में पानी बाहर गिरता है, लोग मंदिर जाते हैं, जगह जगह कीचड़ हो जाता है। अगर आप मंदिर में गए हो तो एक कपड़ा साथ में ले जाओ, उसको पोंछ कर धोकर फिर कहीं लेके चले जाना, क्या दिक्कत है। शंकर के मंदिर में जल चढ़ाओ वो एक अलग बात है, बेलपत्री चढ़ाओ अलग बात है, दूध चढ़ाओ अलग बात है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है किसी शंकर मंदिर में जाकर अगर पानी से केवल मंदिर को धो दिया, धो भी नहीं सकते तो बुआरी लगा दी, बुआरी नहीं लगाते तो एक कचड़े से साफ कर कचरे के ढेर को ले जाकर बाहर पटक दिया, पीछे की ओर डाल दिया, कहीं एक और पटक दिया, मंदिर को स्वच्छ कर दिया। तो याद रख लेना, जैसे अशोक सुंदरी ने हुंड राक्षस का संहार करा, आपकी अपनी जिंदगी में, आप अपनी जिंदगी में दुख तकलीफ कष्ट का संहार कर सकते हैं।